हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान को संविधान नहीं कांग्रेस बचाओ अभियान करार दिया है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये आरोप कि भाजपा नेताओं ने आजादी के समय देश के खिलाफ काम किया है सरासर निराधार है। शिमला में रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी जबकि देश को आजादी 1947 में मिल गई थी। उन्होंने कहा कि आजादी हासिल करने में जनसंघ के लोगों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी जैसे देश हित में लिए गए निर्णयों को जिस गलत भावना से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां प्रचारित कर रही हैं, वो इनकी हताशा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कानून के प्रावधानों के मुताबिक देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता लेने का जिक्र ही नहीं है, बावजूद इसका दुष्प्रचार करने में कांग्रेस लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए भाजपा देश भर में जन जागरण अभियान शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी 1 से 15 जनवरी तक अभियान चलाया जाएगा जिसके अंतर्गत प्रदेश में 90 संगोष्ठी और 17 जिला मुख्यालयों में रैली का आयोजन होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निराधार बयानबाजी कर रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर जो आरोप लगाए, एक भी आरोप पर वो तथ्य सहित प्रमाण दें तो उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, परंतु किसी भी आरोप में कोई तथ्य कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। और आज जो उनके प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है वो सरासर झूठ की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, जनसंघ 1949 और उससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा देश की आजादी के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसकी सराहना देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किस आधार पर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं वो इसका जवाब दें। और मैं तो कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के ये सभी नेता हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व की जंग मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। एक नेता झूठ बोलता है, दूसरा नेता उससे बढ़कर झूठ बोलता है, परंतु वो इसमें सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम करती है, हमारी सरकार बनती है तब भी हम देश हित में काम करते हैं, प्रदेश हित में काम करते हैं, और हमारी ये केंद्र और प्रदेश सरकारों के कार्यकाल ने सिद्ध किया। बिल्कुल नहीं, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाना भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 303 सीटें जीतकर जब हमारी सरकार बनी तो हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुद्दों का समाधान करना शुरू किया। धारा 370 को हटाया, 35A को हटाया, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से राहत दिलवाई, और प्रभु राम की कृपा से राम जन्मभूमि का भी समाधान हो गया, और अब सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाकर उसको भी कानून की शक्ल दे दी, जिससे कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल बौखला गए कि पहले ही उनका आधार खिसक चुका है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देश में 6% वोट कम कर चुकी है, इसलिए ये सब मुद्दों का हल होता जाएगा तो पूरी देश में कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया गया, और ये झूठ बोलकर अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास है जिसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जागरण अभियान छेड़ेगी, हर घर जाएगी, हर परिवार को हर व्यक्ति को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की तथ्यों की जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।